हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब पहली पांच आयत। एक सब्बत के दिन यूं हुआ कि यीशु खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़कर और हाथों से मलकर खाने लगे। तब फरीसियों में से बास उनसे कहने लगे, तुम क्यों वो काम करते हो जो सब्बत को करना रवा नहीं? यीशु ने उनके जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, खाई और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फरीसियों के नज़दीक बालें तोड़ना और उन्हें अपने हाथों से मसलना फसल काटने और इसे गाहने के बराबर था। इन लोगों ने अपनी तरफ से सब्बत के हवाले से बहुत से इजाफी असूल बना लिए थे और वो सख्ती से इनकी पाबंदी करवाते थे। इस वजह से सब्बत का दिन बोझ बनकर रह गया था, हालांकि खुदा चाहता था कि खुशी मनाने और इबादत करने का दिन हो। यीशु ने फरीसियों की गलत सोच को दुरुस्त करने के लिए माजी की मिसाल का जिक्र किया और इनसे जाहिर हुआ कि फरीसी जिस तरह से सब्बत के हुक्म की तशरीह कर रहे थे, ये खुदा की सोच के मुताबिक नहीं था। मसीह यीशु ने दाऊद और उनके साथियों की मिसाल दी कि एक बार जब उन लोगों को भूख लगी थी तो वो खैमा इज्तमा के पास गए और नजराने की रोटियां खाईं। ये वो रोटियां थी जिन्हें खुदा के हजूर से पाक में से हटा लिया गया था और इनकी जगह ताज़ा रोटियां रखी जा चुकी थी। अमूमन सिर्फ काहिनों को नजराने की रोटियां खाने की इजाज़त थी, लेकिन खुदा ने दाऊद और उनके साथियों की सूरत हाल का लिहाज रखते हुए उन्हें कसूरवार नहीं ठहराया। और फिर मसीह यीशु ने ये कहकर अपनी बात खत्म की कि इंसान के इब्ने इंसान सब्बत का मालिक है। इन अल्फाज से वो अपनी हजार साल हुक्मरानी की तरफ इशारा करता है, जिसमें आराम और सुकून का राज होगा। Radio Veritas Asia.